नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देहरादून से खबर, तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक है आज। शाम 5:30 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत कई फैसले ले सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड और उपनल कर्मचारियों के मामलों पर विचार हो सकता है। विभागों की सेवा नियमावली से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। तो आज बैठक है और बेहद अहम फैसले सामने आ सकते हैं। देवस्थानम बोर्ड और उपनल कर्मचारियों के मामलों पर विचार हो सकता है। विभागों के लेकर अगर बात करें, विभागों की सेवा से जो जुड़ी हुई नियमावली है उन पर प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखे जा सकते हैं। शाम 5:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी। देहरादून से ये खबर, तीरथ कैबिनेट की ये अहम बैठक है आज। कैबिनेट में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत कई अहम फैसले ले सकते हैं। बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत जब से सीएम की कुर्सी संभाली तब से ही एक्टिव हैं। आते ही उन्होंने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया और तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए। ब्रजेश, आपसे जानेंगे आज ये जो तीरथ कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट की आज दूसरी बैठक है। पहली बैठक शपथ लेने के तुरंत बाद बैठक आयोजित हुई थी जिसमें दो बड़े फैसले लिए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राधिकरणों को खत्म करने का फैसला लिया गया था और इसके साथ ही जो कोविड महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, लगभग 4,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे उस महामारी एक्ट का उल्लंघन करने में, उन मुकदमों को भी खत्म वापस लेने का सरकार ने फैसला किया था। तो दो बड़े फैसलों के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कुछ और बड़े फैसले कैबिनेट में होंगे और उसी के तहत आज 5:30 बजे तीरथ रावत कैबिनेट का जो है बैठक होगी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार हो सकता है। पहले ये बैठक कल 10:00 बजे होनी थी लेकिन वो जो है उसको स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद आज 5:30 बजे ये पूरी कैबिनेट बैठक हो रही है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिस पर उम्मीद की जा रही है कि संभवतः उस पर विचार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के सबकी निगाहें लगी हैं। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का जो फैसला लंबे समय से मांग कर रहे हैं जो धार्मिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो तमाम पुरोहित और पुजारी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। तो देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने का तीरथ सिंह रावत ने आश्वासन भी दिया था, जिसको लेकर के खासी उम्मीदें हैं कि क्या देवस्थानम बोर्ड को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्या देवस्थानम बोर्ड निरस्त किया जाएगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर्विस मैनुअल, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सर्विस मैनुअल को रिव्यू करने की बात की जा रही है, उनको जो है उसको लेकर के भी कुछ अहम फैसला हो सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो गैरसैंण में जो कमिश्नरी का मुद्दा था उसको लेकर के भी तार्किक तौर पर कोई बातचीत हो सकती है, उस पर कोई फैसला होगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन हाँ उसको लेकर बातचीत जरूर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज ही बल्कि बीजेपी की उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन यूं तो सरकार ने वो तमाम कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया है, अब 4 साल को लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। हाँ। लेकिन बावजूद उसके 4 साल की बीजेपी की सरकार आज हो रही है और आज कैबिनेट का जो फैसला होगा वो बेहद अहम होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी क्योंकि महज तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले हो सकते हैं, ये उम्मीद लगाई जा रही है। ब्रजेश, जिस तरीके से अगर हम तीरथ सिंह रावत जब से उन्होंने कुर्सी संभाली सीएम की, उन्होंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, तुरंत एक्टिव दिखे हैं वो, चाहे वो कहीं दौरा हो कहीं का या फिर कुंभ को लेकर जायजा लेना हो, और आज ये जो दूसरी कैबिनेट बैठक है, इस तरह से उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं खासा असर उन पर पड़ रहा हो, क्योंकि जो कामों को लेकर उन्होंने कल जो बात कही थी कि हमारे साथ जो नए मंत्री भी हैं उनका भी अनुभव अच्छा है, वो भी काम अच्छे से करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम एक पूरा टीम वर्क को लेकर चले तो किस तरीके से रिजल्ट्स मिल रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि अनुभवी संगठन को लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले
पहले कई बार मंत्रालय उनके पास रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास अनुभव है। दूसरी बात यह है कि वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जब मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तब भी उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि आप अपनी इच्छा बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको साथ लेकर के चलने की जो प्रवृत्ति है तीरथ सिंह रावत की, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट को मजबूत बना रही है। कैबिनेट में 7 चेहरे वही हैं, लेकिन जो 4 नए चेहरे आए हैं उनमें भी 2 चेहरे तो कम से कम ऐसे हैं ही जिनके पास अनुभव है पुराना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अनुभवी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने का मादा सबको मालूम है कि ये अब यहाँ से वापस लौटने का कोई मतलब नहीं है। महज 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, अगर अभी भी किसी तरह की कोताही की गई तो ये बात मान लीजिए कि मौका उनके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का अगर इतिहास देखिए तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, कुछ इसी तरीके से स्थितियां बनती रही हैं, और ऐसे में अगर आपने स्ट्रेटजिकली अगर आपने आगे फॉरवर्ड प्लानिंग न की तो आप एक बात मान के चलिए कि आपकी जो स्थिति है वो बेहद खराब हो सकती है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री को मालूम है, पूरी कैबिनेट को मालूम है, इसीलिए अब सिर्फ वर्क कल्चर पर जोर दिया जा रहा है। ब्रजेश, अगर हम जनता को लेकर बात करें, क्योंकि सीएम बदले गए और इतना बड़ा बदलाव देखा गया, कैबिनेट मंत्री वहां पर आए, उन्होंने शपथ ली, 11 मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, तमाम तरीके के बदलाव देखे गए। हम जनता की तरफ से देखें, जनता का रवैया देखना चाहें तो किस तरीके का रवैया देख सकते हैं? देखिए, जनता सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये बहुत जल्दी होगा कि लोग क्या सोचते हैं। लोगों को एक बात तो समझ में आती है, बदलाव के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बदलाव की मांग तो लोग भी कर रहे थे। स्थानीय लोगों को लगता था कि जिस तरीके से आपको ऐतिहासिक बहुमत दिया गया उस लिहाज से सरकार काम नहीं कर रही, ये बात तो बिल्कुल तय था। नेतृत्व को लेकर के लोग खुश नहीं थे। अब जिस तरीके से ये बदलाव हुआ है, बदलाव को लेकर के लोग खुश तो हैं, लेकिन अब वो उम्मीद लगा रहे हैं, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। अभी अब देखना होगा कि क्या 4 साल की पटरी से उतरी हुई व्यवस्था को क्या महज 1 साल में पटरी पर लाया जा सकता है, क्या जो डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ के लोगों ने की थी वो 1 साल के अंदर पूरी हो पाएगी क्या? तो अब लोग प्रतिक्रिया देने से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में, वो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसके बाद कोई अपनी प्रतिक्रिया वो वोट के तौर पर देंगे। तो वो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आर या पार की स्थिति है। अगर आप व्यवस्था को संभाल पाते हैं तो दोबारा सरताज बन जाएंगे, अन्यथा व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, ये बिल्कुल साफ नियति है जो है। तो अब देखना ये होगा कि इस 1 साल को किस तरह से डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तीरथ सिंह रावत। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक है आज, देहरादून से एक खबर। शाम 5:30 का वक्त तय किया गया है जब सचिवालय में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। और यूपी बीजेपी के ग्राम चौपाल कार्यक्रम लगातार जारी हैं। पंचायत चुनाव प्रदेश प्रभारी विजय बहादुर पाठक कन्नौज में चौपाल करेंगे, मंत्री रमापति शास्त्री गोरखपुर में चौपाल करेंगे, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय कौशाम्बी में चौपाल करेंगे, रमाशंकर पटेल मिर्जापुर में चौपाल करेंगे, मंत्री बलदेव सिंह औलख रामपुर में चौपाल करेंगे। तो बता दें, पंचायत चुनाव से पहले पहले ये चौपालों का जो आयोजन किया जा रहा है बेहद अहम है। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए। एसके, ये जो चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, 18 मार्च आखिरी तारीख थी जब तक आयोजन करने की बात कही गई थी, इस बीच अगर हम बात करें चौपालों को लेकर क्या असर रह रहा है और क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि आज भी कई जगह चौपाल है। बिल्कुल, आज चूंकि 18 तारीख है और 18 तारीख को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने एक अभियान चलाया था जिसमें 11 से 18 मार्च के बीच में ग्राम चौपाल का आयोजन था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हो, उनको गांव-गांव जाकर अपने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ चौपाल लगानी थी, जिसमें लोगों की समस्याएं सुननी थी, किस चीज को लेकर उनकी नाराजगी है उसको सुनना था, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार उनके लिए क्या योजनाएं चला रही जिसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंची है, और जो लाभार्थी है उनके बारे में दूसरे लोगों को बताना, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही है इन सारी चीजों को कर कि लोगों की नाराजगी दूर की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। इसी क्रम में आज यूपी सरकार के मंत्री रमापत शास्त्री जहां गोरखपुर जाएंगे, श्रीराम चौहान देवरिया, चंद्रिका प्रसाद कौशाम्बी, रमाशंकर पटेल मिर्जापुर, गिरीश चंद और मनीष शुक्ला जौनपुर में रहेंगे। इसी तरीके से जिन जिन जिलों में आज ग्राम चौपाल भरी है वहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अभियान पंचायत चुनाव को लेकर है, जिसमें
ज्यादा से ज्यादा पंचायत प्रत्याशियों को जिताकर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी ये कार्यक्रम कर रही है, जिसका आज अंतिम दिन है जी। एसके, ये भी जानेंगे जो अलग अलग जगहों पर चौपाल की जा रही। बिल्कुल, अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर चौपाल लगातार जारी है और बीजेपी ने अब तक प्रदेश के सभी 75 जिलों की अगर हम बात करें तो चौपाल पूरी हो चुकी है। सभी जिलों में बीजेपी के पदाधिकारी मंत्रियों ने जाकर चौपाल की है और इसी क्रम में आज भी करीब करीब प्रदेश के 12 जिलों में बीजेपी के प्रदेश स्तर के मंत्री जाएंगे जो चौपाल करेंगे। साथ ही साथ में स्थानीय पदाधिकारी जिसमें विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश जो बीजेपी की यही है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों तक अपने संदेश को पहुंचाया जाए, योजनाएं उनकी जानकारी दी जाए और खास तौर पर किसानों, युवाओं और जो बेरोजगारों को लेकर समस्या है उसको दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी क्रम में बीजेपी ने अपने किसान मोर्चे को भी कार्यक्रम से लगा रखा है। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी सख्त दिखाई दे रहे हैं। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जाए, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट जरूर हो, लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आरटीपीसीआर की जांच हो और साथ ही यात्रियों की सूची को लेकर सर्विलांस की कार्रवाई की भी बात कही है। तो जो कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं उसको लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी सख्त रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि साथ ही आपको ये भी बता दें कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, इस बीच लोगों का भय कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात लोग नहीं बरत रहे। लखनऊ से खबर, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को फिर से सक्रिय किया जाएगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा और अगर अनुपालन नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर बड़ी कार्रवाई होगी। तो कोविड पर नियंत्रण पर नामित किए गए हैं जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट कराया जाएगा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए फिर से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस महीने में अब तक के सर्वाधिक संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राजधानी में 54 सहित प्रदेश में 261 नए मरीजों की पुष्टि, लखनऊ में बढ़कर 320 और प्रदेश में 2014 एक्टिव केस हो गए हैं। लखनऊ में 17 और यूपी में 157 संक्रमित ठीक हुए, कोरोना को मात दी है इन लोगों ने। प्रदेश में अब तक 5,95,150 मरीज ठीक हुए हैं, 8,751 मौतें भी हुई हैं। तो कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव आर के तिवारी ने अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी लापरवाही बरती नहीं जाए। वहीं नोएडा में कोरोना संक्रमण और त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। नोएडा में धारा 144 लगाई गई और उसके बाद गाजियाबाद में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। 17 मार्च से 30 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू की गई है। कोरोना को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। बाजार, मॉल, सिनेमा घरों में मास्क लगाना जरूरी होगा। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कार्यक्रम में 50% ही लोग जा पाएंगे। अंतिम संस्कार, शव यात्रा में 200 लोगों से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं है। तो स्कूल कॉलेजों में कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखना होगा। तो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव अश्विनी द्विवेदी संवाददाता जुड़े हैं, गाजियाबाद से संवाददाता गौरव यादव जुड़े हैं लाइव, वाराणसी से आकाश यादव जुड़े हैं। सबसे पहले आपको हम लिए चलते हैं लखनऊ, लखनऊ से जानेंगे अश्विनी क्या स्थिति है इस वक्त। निश्चित तौर बता दूं, जो अगर लखनऊ की बात करें कोरोना की, तो अब इस महीने के सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो कल निकल के सामने आए, 50 से ज़्यादा मरीजों की संख्या रही। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी 200-250 से ज़्यादा जो नए मरीज आए। हालांकि जो यहाँ पर रिकवरी रेट है वो 98 के समथिंग है, जिसमें कहीं ना कहीं बाकी प्रदेशों की अपेक्षा अभी भी उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी बेहतर है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करें, पुणे में लॉकडाउन लगाना पड़ा, साथ ही साथ पंजाब की बात करें या मध्य प्रदेश की
बात करें, इन प्रदेशों में जो स्थिति फिर से एक बार बिगड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन जी तब फिर भी उसके बावजूद भी स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पे हो रहा है। अब तक प्रदेश की बात करें तो बाकी राज्यों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है निश्चित तौर को। हालांकि यहाँ की जो जनसंख्या है बाकी प्रदेशों से बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी यहाँ के जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति बनाई वो वाकई सफल हो रही है। कोरोना को देखते हुए हालांकि जो मुख्य सचिव हैं आर के तिवारी, उन्होंने कल एक फिर एक बार जो निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं कि जो टेस्टिंग हो रही थी जो कम हुई थी उसको एक बार फिर बढ़ाया जाए, एंटीजन टेस्ट पर ध्यान दिया जाए, चाहे वो चौराहे हो, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप पे, हर जगह पर इस तरह की व्यवस्था रखी जाए कि एंटीजन टेस्ट किया जाए। निश्चित तौर पर इन सब चीजों को देखते हुए वाराणसी लिए चलते हैं हम आपको। हमारे साथ आकाश जुड़े हैं। आकाश, आपसे वाराणसी की स्थिति जानेंगे, क्या लोगों में जागरूकता कम होती नजर आ रही है जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं? चाहे राजनीतिक पार्टी के रैलिया कहें या बैंक कर्मियों को हड़ताल कहें या किसान आंदोलन को, लगातार या आम जनता की बात करें दुकान पे मास्क नहीं पहनते या कर्मचारी की बात करें दुकान पे मास्क नहीं पहनते, जिनको लगता है वैक्सीन आ गया तो वैक्सीन लगने से कोरोना दूर हो जाएगा, ये दूर कर ले। वैक्सीन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस और मास्क कई जिलों में, कई प्रदेशों में रात्रि कर्फ्यू का पूरा लगा दिया गया है। इसके साथ अब बनारस की बात की जाए तो बनारस दो विमान कब किए गए, या बेंगलुरु की बात है या महाराष्ट्र, दो विमानों को रद्द कर दिया गया, ये विमान नहीं चलेंगे। और समुद्री यात्रा की बात की जाए तो कल पीएम नरेंद्र मोदी भी सभी जिलों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री से खुद वर्चुअल मीटिंग की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हवाई यात्रा हो या समुद्री यात्रा हो, देश देश लोग आसानी से प्रदेश और जिलों में चले जाते हैं। आकाश लगाइए और पूरी गाइडलाइन का बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद की तस्वीर जानते हैं, हमारे साथ गौरव यादव बने हुए हैं। गौरव, गाजियाबाद में कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से त्योहारों का जब मौसम सीजन आता है तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद को कैपिटल, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी देखा जाता है, और ऐसे में लोगों की गैदरिंग बढ़ जाती है और जो गैदरिंग लोगों को संक्रमित कर सकती है। इसी के चलते हुए धारा 144 लागू की गई है। सिनेमा घर हुए, मल्टीप्लेक्स हुए या कहीं शॉपिंग मॉल्स हुए, इन सभी जगह पर बिना मास्क के जाना अनिवार्य, बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी, और मास्क के साथ भी कोविड के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जहां पर जैसे कि कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ पार्टी गैदरिंग्स होती हैं, वहां पर 50% क्षमता, जितनी क्षमता होगी उसका 50% लोग ही जा सकते हैं और 200 से अधिक नहीं जा सकते। और जो व्यापारी रहेंगे वो भी यदि उनके यहाँ पे कोई सामान खरीदने जाता है तो जब तक बिना मास्क के सामान की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती, व्यापारी पूरी कोविड गाइडलाइंस को फॉलोअप कराएंगे। और यही वजह है कि यदि गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की बात करें तो अभी तत्काल में कल 11 पॉजिटिव मरीज आए थे और टोटल 102 मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं। लेकिन क्योंकि पिछले साल भी इसी दौरान कोरोना संक्रमण एकाएक बढ़ना शुरू हो गया था और फिर से वही दौरान आ रहा है और होली का त्यौहार भी पास में है, ऐसे में लोगों की गैदरिंग बढ़ जाती है, लोगों का गौरव लोगों की गैदरिंग बढ़ रही है। क्या है मेन कारण अगर हम समझे, कोरोना वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि एक और जहां वैक्सीनेशन लोगों को बचाने के लिए, कोरोना खत्म करने के लिए एक कोशिश है, लेकिन जो लोगों की मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया, अब चाहे जो मनाए वो करो और आगे बढ़ते चलो। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, जिस तरीके से पिछले दिनों गाजियाबाद में बॉर्डर पर धरना देखने को मिला, वहाँ लोगों की बड़ी गैदरिंग हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से भय खत्म हो चुका है। लोग ये मान के बैठे हैं कि कोरोना कुछ होता ही नहीं है और अब तो वैक्सीन भी आ गई है, यदि कोरोना हो भी जाता है तो वैक्सीन लगवा लेंगे, वैक्सीन से क्योर हो जाएगी। यही वजह है कि जो मार्केट है वहाँ रश बढ़ने लगा है, जो सोशल गैदरिंग की जगह है वहाँ पर रश ज्यादा देखने को मिला है। और यहाँ इस बीच प्रशासन भी ढीला देखने को मिली है, जहाँ पहले कोविड की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराया जा रहा था, अब वो कोविड की गाइडलाइंस सख्ती से पालन नहीं कराई जा रही है। यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण के जो चांसेस है, अब जो स्थिति धारा 144 लागू करनी पड़ी है, ये वही कारण है कि जब प्रशासन ने भी ढीला रवैया अपनाना शुरू किया कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क का जो फॉलोअप था, जो हैंड सैनिटाइजर का फॉलोअप था, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को हमें नहीं मिल रही थी, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे थे,
बिना सैनिटाइजर के लोग आराम से घूम रहे थे। ठीक है गौरव, गौरव बने रहिए आप हमारे साथ, लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी आपसे जानेंगे वहां के लोगों की जागरूकता के बारे में। निश्चित तौर पर अगर बात करें, जब से जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कोरोना का भय कम हुआ है। हालांकि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर आपको जो बाज़ार हैं, जो मेन बाज़ार हैं, जहां अमीनाबाद की बात करें या फिर भूतनाथ की बात करें, जो लखनऊ में बड़े बाज़ार माने जाते हैं, वहाँ पर भी आपको बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि सख्त निर्देश बहुत हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, उसको दिया गया कि सख्ती से चेकिंग की जाए, लेकिन ये सब हवाबाजी बातें हैं। जो जमीन पर है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय कम हो रहा है। जिस प्रकार से अगर पिछले एक महीने की बात करें तो जो संख्या है जो मरीजों की वो कम हो रही है, जिससे लोगों के अंदर का जो डर था वो खत्म हो रहा है एक बार फिर। लेकिन कहीं ना कहीं जो आदेश और निर्देश जारी हो रहे हैं वो सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे। जब तक जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। जी ठीक है, बने रहिए। आकाश आपसे जानेंगे वाराणसी में लोगों की जागरूकता को बनाए रखने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बनारस में गाइडलाइन का पूरा पालन कराने के लिए प्रशासन बेड़ी छुट्टी का जोर लगा रही है, क्योंकि लॉकडाउन अन्य प्रदेशों के साथ साथ देखने को न मिला कि यूपी में वाराणसी में तमाम जगहों पर लॉकडाउन फिर से न हो। इस इतिहास में जिला प्रशासन एक्शन मोड पे है, क्योंकि सबसे अहम बात है कि आगामी त्यौहार होली है। होली रंग गुलाल का एक ऐसा त्यौहार है तो लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के गले मिलते हैं। ये सबसे बड़ी कदम होगा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों का, क्योंकि यदि एक दूसरे से गले मिलेंगे संक्रमण का प्रभाव पड़ेगा तो गांव कस्बे और परिवार के साथ पूरे देश को संकट में डालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। हमने तमाम जिलों से आप तक वो अपडेट पहुंचाई कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। मेन कारण अगर हम समझने की कोशिश करें तो वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी ना थोड़ी प्रशासन ने जो छूट दी थी उसका फायदा लोगों ने उठाया, क्योंकि जागरूकता इसकी वजह से कम हुई और कोरोना को लेकर लोगों में थोड़ा डर भी कम हुआ है। इसको लेकर जागरूक होने की आवश्यकता